नमस्कार दोस्तों, मैं दीप की पंजाबी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम घर पे बनाएंगे गोभी के डिंडल, जिसे हम उतार कर फेंक देते हैं। ये देखिए, हमने इसे गोभी से उतार लिया है। अब इसकी हम मसालेदार सब्जी बनाएंगे। ये हमने दो बड़े प्याज लिए हैं, जिसे मैंने चॉप करके रख लिया है। थोड़ी अजवाइन ली है, जीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, सरसों का तेल, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और गरम मसाला। पहले मैं डिंडल को ऐसे ही सब डिंडल को निकाल लूँगी। देखिए जो हमारा ये भाग है, हम इसे ऐसे निकाल देंगे। सख्त भाग है ये, और इसे हम मोटा मोटा लंबाई में काट लेंगे। और जो ये भी डिंडल है हमारे, हम इसे बेकार नहीं जाने देंगे। इससे भी हम ऐसे बड़ा बड़ा चीर लेंगे, काट लेंगे हम। मोटा मोटा काटना है। इसकी जो सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनती है और बहुत ही मसालेदार बनती है सब्जी। कढ़ाई मैंने गैस पर चढ़ा दी है और जो कढ़ाई मेरी अच्छे से गर्म हो चुकी है, मैं इसमें एक चम्मच तेल का डालूंगी। ये तेल जो हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, मैंने जो डिंडल मैंने अच्छे से धो के रख लिए, अब मैं इसे कढ़ाई में डाल दूंगी। हाफ टी स्पून मैं इसमें डाल दूंगी जीरा, हाफ टी स्पून इसमें डाल दूंगी मैं अजवाइन अच्छा टेस्ट देने के लिए, और अदरक लहसुन का पेस्ट साथ में डाल दूंगी इसके, और इसे अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने से जो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाता है, और इसे मैं 2 मिनट ऐसे ही भून लूँगी। 2 मिनट हो चुके हैं, इसे मैंने भून लिया है। गैस को हम बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसमें हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। पहले मैं इसमें डालूंगी प्याज जो मैंने चॉप करके रखे हुए थे, साथ में डालूंगी मैं 1/2 टीस्पून नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून इसमें डाल दूंगी मैं लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें डालूंगी मैं हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून डालूंगी इसमें गरम मसाला, और इसे अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी। अच्छे से मैं इसे मिक्स करके 5 मिनट के लिए ढक दूंगी। मिनट हो चुके हैं, मैं देखूंगी हमारी जो सब्जी बनकर तैयार है कि नहीं। देखिए हमारे जो डिंडल है अभी गले नहीं है, इसे मैं 5 मिनट के लिए अभी होल्ड रख दूंगी। हमें गैस को बिल्कुल स्लो रखना है, तेज गैस पर इन्हें नहीं बनाना है। अब जितना स्लो गैस पर इसे बनाएंगे, उतने ही डिंडल अच्छे बनेंगे। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, अभी जो हमारे डिंडल बने नहीं है, ये भी थोड़ी सी इसमें बटर है, 5 मिनट के लिए। और आप जब भी डिंडल बनाएं, बहुत स्लो गैस पर बनाएं, तो बहुत अच्छे बनेंगे आपके गोभी के जो डिंडल निकलते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं,
देखिए जो हमारे भिंडी कैसे अच्छे से हो गए हैं, गल गए, और प्याज जो हमारे अच्छे से मसाला भी इसका बन गया है। हम गैस को बंद कर देंगे और इसे प्लेट करेंगे। देखिए हमारी जो डिंटल की मसालेदार सब्जी बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।